ये जी स्प्रे का इस्तेमाल एक का कट किया। हुआ है, उसको तकरीबन ये आज चौथा दिन है। 4 दिन के अंदर जो इसकी ग्रोथ है वो आपके सामने है, और बाकी जो है आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितनी जल्दी दोबारा ग्रोथ करती है। इनके अंदर क्या क्या पाते? इन अंदर होने पे सन्नाटर फास दो पहले तो पहले अच्छा, पुलवार मेरे में को एक बंदा दस गए, मैं तो इतना लो शेयर करे ना, वीडियो जी शेयर करे सो कि ई कू नेट्रोफास डू पावन की बजाय ना वो फार्मूला सस्ता ही पाँदे, ई कोलो अच्छी ग्रोथ रही सी। केड़ा वो मैं तेको दसेना हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ मुर्तज़ा भट्टी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और पालक के हवाले से आजकल आपको पता है कि एक ऐसी सब्ज़ी है जो जिस तरह गार्लिक ने एक तूफान बर्पा किया था, उस तरह पालक जो है, जो हमारे पास जो ये स्पेशल बीज है जो बाहर से इम्पोर्टेड है और हमने यहाँ पर उसका बीज बनाया था, तो इस बीज की जो पालक है वो अल्हम्दुलिल्लाह सालाना कोई 25 से 30 लाख रुपए वो आमदन दे रही है फी एकड़। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, आज आपको ये बताऊंगा कि इसमें पानी कितना लगाया जाता है और इसके अंदर जो सफाई है उसका कैसे ख्याल रखा जाता है। तो इस हवाले से आज वीडियो है, मेरा मुस्ताजर मेरे साथ है, तो अभी आपको दिखाते हैं, क्योंकि अभी पानी लगाया इसने, तो पानी कितना लगाना है, कितनी उसकी जो खेलें हैं उसके कहाँ तक पानी लगाना चाहिए और उसके अंदर जो सफाई है वो किस तरह होनी चाहिए, वो सारा आपको दिखाते हैं। पहली हो चुकी है, पहला कट को तकरीबन आज 4 दिन हो चुके हैं और इसकी जो ग्रोथ है आप देख लें कि 4 दिन के बाद जो है ये इतनी हो चुकी है, और पानी की आप देख लें तो ये देखें, ये इतना हिस्सा ऊपर खुश्क रखना चाहिए पानी, ये जो जहाँ तक ये पौधे लगे हुए हैं ये पौधे पानी के अंदर नहीं जाने चाहिए, इनको सिर्फ सेम चाहिए होता है पानी का नीचे से। ये खेल का मकसद यही होता है कि इसको पानी की जो है वो मुकम्मल पानी ऊपर तक नहीं आना चाहिए, इसकी रूट्स तक पानी नहीं आना चाहिए, इसके रूट्स सिर्फ सेम में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी करते हैं। और जहाँ तक इसकी सफाई का ख्याल है, आप ये देख लें ये पूरी खेल के अंदर आपको कहीं भी कोई जड़ी बूटी नज़र नहीं आएगी, सारा ही सारा जो है इसके अंदर ये ऊपर जो है वो ये लगा हुआ है पालक ही है, और जड़ी बूटी का नामो निशान आपको नज़र नहीं होगा। यही इसकी मेहनत है कि आप जब भी इसको वो करें तो इसमें जड़ी बूटी जो है वो कम से कम पानी ऐसे बिल्कुल हल्का सा ऐसे लगाना चाहिए जो सिर्फ इसकी जो रूट्स तक जो है सेम कर सके। बाकी आप ये देख लें कि ऊपर खुश्क आपको नज़र आ रही होगी, नीचे नीचे सिर्फ पानी होगा, और यही इसके कमाल है पानी लगाने का और इसकी सफाई का, ये दो अहम चीज़ें हैं। और पानी के साथ आज इसने क्या क्या दिया है ये भी मैं पूछता हूँ। हाँ भाई, क्या क्या दिया आज पानी के साथ? नेट्रोफास नेट्रोफास दो दो नेट्रोफास की बोरियाँ इसने अब ये दे दी हैं इसने। अब ये 15 दिन बाद ये फिर मुकम्मल तैयार होगी, फिर कट के लिए तैयार होगी। 12 से 13 दिन ये कह रहे हैं, वैसे 15 दिन ये लग जाते हैं। और इस पालक का माशाल्लाह ये देखें, बहुत अच्छी ग्रोथ और बहुत जानदार पत्ता इसका। और इसी तरह जो है हम जा रहे हैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं। आज मैं आपको एक और फार्मूला भी बताऊंगा जिसके तहत आप ये जो दो बोरियां एंग्रो या नेट्रो की देते हैं, ये जरा नेड़े करके दिखाओ जी, मैं वो पानी ले खड़ा ना, वो बोड़ी खड़न उत्ते मोई पई है, सादा एक दाने क्या नहीं मोया भी, आप बूटे अंगुल तल्ले तल्ले पानी। चल मैं तो डसेना आ गया तो ऊपर से तो चल। तो ये आपको ये सारे एक नया फार्मूला मैं आपको बताता हूँ जो कि हमें ये एक एक्सपर्ट आए हैं, वो पालक चेक करके गए हैं, उन्होंने पूछा कि आप हर कट के बाद क्या देते हैं, तो हमने उन्हें कहा कि नेट्रोफास या एंग्रो की 2 बोरी हम 1 एकड़ को देते हैं हर पानी पे, और वो फिर 15 दिन बाद फिर वो तैयार हो जाती है। तो उसने कहा आपको 2 बोरी की भी ज़रूरत नहीं है, आप जो है 2 बोरी की बजाय ना अगर आप इसको ये मैं एक फार्मूला दे रहा हूँ, उस फार्मूले के तहत अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ये इसकी ग्रोथ इससे भी ज़्यादा होगी, आपको 2 बोरियाँ भी नहीं डालनी पड़ेगी, आपका ख़र्चा भी कम हो जाएगा। वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करता हूँ कि उन्होंने क्या क्या बताया, मैंने लिख लिया था और वो मैं इंशाल्लाह वो आपको बताता हूँ। तो ये पानी आपको दिखा दिया कि कितना कितना लगता है इसमें, इधर लग रहा है थोड़ा थोड़ा, और ये जो खुश्क पड़ी है आप इसमें देखें, आपको कहीं भी दरमियान में कोई जड़ी बूटियां नज़र नहीं आएंगी, और ये पानी जो है ये इतना इतना ही लगाना है, ऊपर ये जगह खुश्क रखनी है। ये आज बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप पालक अगर काश्त करें, अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं, तो इसको पानी की जो मिकदार है वो इस तरह आपने रखनी है, इसको ज़्यादा पानी नहीं देना, ये जो पौधा है पौधे के ऊपर पानी नहीं आना चाहिए, इसके सिर्फ रूट्स पे सेम आना चाहिए, खेल का मकसद ही सिर्फ यही है। आगे थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें पानी का तरीका,
ये ऊपर देखे खुश्क है, नीचे थोड़ा थोड़ा पानी है। ये देखें ये चार दिन पहले वाली जो कटाई है उसकी ग्रोथ भी आप चेक कर लें, ये कितनी है और ये सारा पानी इसको लगा हुआ है। ठीक है, 12 से 13 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ये फिर तैयार हो जाएगी कट के लिए। फिर इंशाल्लाह ये एकड़ अभी पिछले दिनों इसने ये जगह, ये काफ़ी सारी जगह छोड़ दी थी इसने, जो ये बची थी ये इसने 80,000 के बेची थी तकरीबन, कोई एक बीघा और कुछ कनाल, और ये टोटल तकरीबन 2,00,000 में ये सेल। आजकल रेट बहुत अच्छा खड़ा है, जो लोग काश करना चाहें तो वो एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं इसमें से। मेरा उन जगहों पर पानी बाल्टी के ज़रिए डाल रहा है, जो क्योंकि पानी थोड़ा थोड़ा लगाना होता है ना, जो खेल थोड़ी सी ऊपर होती है उसमें पानी रह जाता है, तो वो फिर इस तरह बाल्टियों के ज़रिए वो लगा रहा है। जी तो दोस्तों, आज बात हो रही थी पालक के हवाले से कि जी पालक के अंदर हम पानी किस तरह लगाएं, और पानी को आपको सारा मैंने तरीका बता दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी जो हम जो 2 बोरी इसमें डालते हैं गवारा की या नेट्रोफास की, तो मेरी आए थे यहाँ पर चेक करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि यार आप ये जो 2 बोरी डालते हैं ना, इसके बदले हम आपको एक फार्मूला देते हैं, उससे ग्रोथ इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो मैंने कहा अपने व्यूवर्स के साथ भी मैं शेयर कर लूँ, क्योंकि आप लोगों के साथ ही तो तमाम बातें शेयर होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हो सके मैं आपको देता रहूँ। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी 3 किलो जिंक की थैली मिलती है, एक वो ले लें, और 1 किलो ले लें थायोविट की थैली, ये भी एक पाउडरनुमा केमिकल है, और उसके साथ साथ 20 किलो यूरिया या गवारा, इनमें से कोई एक खाद ले लें, और ये ड्रम में घोल के, और उसके ड्रम में जो घोलेंगे तो उसके बाद आपका जो टुक्का होता है जहाँ से ये खेत के अंदर पानी शुरू होता है उससे तकरीबन 20 या 15 फुट पीछे ये जो आपका ड्रम इस्तेमाल करें, तो वो ड्रम जो है वो आपका होना चाहिए इसके टूटी वाला, क्योंकि आपने फ़्लो करना है पानी के अंदर। तो वो ये कह रहा था कि जो आप 2 बोरी देते हैं ना इसको, उससे भी ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट, इसकी ग्रोथ इससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो वो मैं आपको टुके वाली जगह भी दिखाता हूँ, और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि उन्होंने किस तरह कहा है, ताकि आपको अच्छे तरीके से जहन नशीन हो जाए। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये आपने सुन ली होंगी, फिर भी मैं इसका ये स्क्रीन शॉट मैं इसके साथ वीडियो के साथ शेयर कर दूँगा, ताकि आप मज़ीद देख भी लें। ये देखें ये टुका है इस वक्त, यहाँ से ये पानी अंदर आया है, वो देखिए जहाँ जहाँ ये पानी नहीं है वो थोड़ा थोड़ा करके डाल रहा है, ताकि ज़्यादा पानी भी ना हो, और वैसे तो लग गया है पानी, लेकिन कहीं कोई कोई ऐसी जगह जहाँ थोड़ा थोड़ा रह जाता है तो वहाँ पर ये इस तरीके से ये लगा रहा है। तो ये देखें ये टुका है, तो इसके ये पीछे ये तकरीबन वहाँ तक 15 से 20 फुट बनते हैं, वहाँ पर आप एक इसके ऊपर खाल के ऊपर कोई ऐसा रखें ड्रम, या एक साइड पे भी अगर रखें मसलन उधर रखते हैं, तो उसकी जो टूटी है नल है उसकी, वो इसके पानी के अंदर आनी चाहिए, या कोई फट्टा रख दें फट्टे के ऊपर रख दें, ताकि वो दरमियान में अगर वहाँ पर रख के आप खोलेंगे ना फ्लो देंगे तो वो सारा इसके अंदर मिक्स हो गया आएगा, अगर यहाँ टुके पे देंगे तो वो आगे जाके मिक्स होगा, यहाँ पर नज़दीक वो मिक्स नहीं हो सकेगा। तो इसलिए ये उन्होंने ये मशवरा दिया है, तो ये एक अहम मशवरा था जो मैंने आपको बता दिया है। तो अब टाइम भी काफ़ी हो चुका है, और आपको पता है कि शाम होने वाली है, मगरिब हो चुकी है, मगरिब की अजानें हो चुकी हैं, तो अब आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। आज की जो वीडियो थी इसमें 3 चीज़ें मैंने आपके साथ बहुत अहम शेयर की हैं। पालक से मोहब्बत रखने वाले लोग, जो लोग पालक काश्त करना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जिन्होंने हमसे बीज मंगवाया, पिछले साल भी ले गए, इस साल भी ले रहे हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस पालक में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि इस पालक से आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, और ये पूरा साल चलने वाली सब्ज़ी है, ये रुकने वाली भी नहीं है। आजकल जो है इसका ज़बरदस्त सीज़न चल रहा है, और बहुत अच्छी इसमें कमाई हो रही है, बहुत अच्छा इसमें तकरीबन कोई 1 एकड़ में 2,00,000, 1,00,000 से लेकर 2,00,000 के दरमियान रेट लग रहा है। तो इस वजह से कितना
2 लाख रुपए का किला आप को पैसे दे जाते हैं और कटाई करा के ले जाते हैं, या मौके पे आके पैसे दे देंगे आपको और फिर उसके बाद 15 दिन बाद आप फिर दोबारा उसको बेचेंगे। फिर हर 15 दिन बाद ये सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। अल्लाह पाक आपकी रोज़ी में रिस्क में इजाफा फरमाए, अल्लाह ताला हमारे भी रोज़ी रिस्क में इजाफा फरमाए। जो भी अच्छी बात होती है कोशिश करनी चाहिए, ये सदका जारी है कि इंसान दूसरे इंसानों को पहुँचाए भी और उनको भी फ़ायदा। पूछ के ना 100 रुपये किलो है पालक। नहीं मैं तो आपको 100 दफा कॉल की थी, मैं तो आपको पता ना लगे। नहीं नहीं तुसा हुन इन्ना को आखो कि तुसा अपने मुलाजमा को समझाओ कि वो सफाई दा खास ख्याल रखें। उन्ना कोई सारे जेड़े बेलियन पता नहीं क्या है नो, ना कोई सफाई करन ना कोई पानी पानी इतना ज्यादा लग गया खड़े हो तो होया है ना। हां वो बंद किया ना भाई दा इंतकाल हो गया तो मैं फिर इते काई ना मतलब है कि मैं। हां तो आपको जितने दफा फोन कीते तुसा आके मैं पालक नहीं गया। मैं के पालक दिखाओ दिखाओ किवे है साड़ी पालक की में साफ सुथरी कहीं जा तू आगु ना गंद नजर दे ना खेलां दे उते पानी नजर दे। हाँ पालक जबरदस्त पालक जोर दी थी पई तुहारे कोल लेकिन ये मेहनत कुल गली पई गंद कुल गंद ते पानी पानी ऐसा ताल ताले च फिरे ने वो तो बुढ़िया पे जका पानी बने लाला बने ही खड़े सब शे और सारे पालक डिठन कहीं गंद ही नहीं नजर दबने ते तुहारे पास तो डूडू फुट का घा थी पे उन्दे पालक दे। अपने सरगोधा शहर मंडी चु पुछ गए उ 100 रुपये किलो पालक है। 5 आड़तिया ने फोन किया मेरे को इनकी सफाई थी सी कटाई करके जेडी इन्हें को वीडियो कल जेडी अपलोड थी सी वही दे तो आज भेज भी देने वो भी देख गिनो जेडी ऐसा वीडियो बनाई है ना कटाई करके सफाई करके एक इवें करो इनकी सफाई करो काट के बाहर सटो जेड़ा चंगा है तो बेचो अपनी मंडी च ना तो इनकी सफाई करवाओ भी अपलोड तैयार थी सी। हाँ खड़े अस्सलाम वालेकुम सर। अलहमदुल्ला सर एवं है कि तुसी ना तुहाडे जिहड़े मुलाजमीन ने ना उन्हां नूं थोड़ा बेलियां नूं खिचो कि इस सफाई ते बहुत लाजमी है, ये तुसी सफाई करोगे ना तुहाडी फसल इन्नी खूबसूरत होएगी ना कि लोग दूरों देखण आणगे। ते अगर दूसरा पानी जिहड़ा इन्हां ने लाया ना वो तो पानी इन्नू चाहिए है कि थले पानी होवे जिहड़ी पालक उत्ते है ना खेल दे उहदे सिर्फ रूट्स नूं सेम जाए पानी उत्थे तक ना जाए। हाँ बारिश हो जी जी चलो कोई मसला नहीं तुहाडी बहुत अच्छी पालक है मैं देखी है वीडियो तो सारी तुहाडी बहुत अच्छी पालक है जिहड़ी अच्छी जगह है सारी कट के ते उनू फौरन वेचो जिहड़ी खराब है उनू भी कटा दिओ उनू फेंक दिओ ते इंशाल्लाह 15 दिन बाद सफाई करोगे ना इतनी जबरदस्त होएगी ते कम अज कम तुहाडे किन्ने किन्ने एकड़ लगी है तुहाडी। 7 एकड़ लाइए ना इंशाल्लाह ये 14-15 लाख रुपए की तुहाडी सेल हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी ए तुहानू दसदा जी 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 स्प्रे कट के वाल थी सी कीड़े वाले थी सी एक पोडरी थी सी एक स्प्रे कर गिना कैप्रोटॉप मिलते पोडर कैप्रोटॉप। हाँ उनका मकसद ये है भाई तुम्हारे को बारिश थी पर पानी ना खड़े पत्ते उते पत्ते का रंग खराब थे पानी ताजा ढह देंगे खुश्क कर देंगे वो किले का एक पैकेट है भावे डू मारो एक मारो असा तो डू पैकेट मरे। ये सरगोधा से हमसे बीज लेके गए थे 7 एकड़ उन्होंने काश्त की है और वो उन्होंने वीडियो भी भेजी है मैं आपके साथ शेयर कर। सरगोधा में माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है लेकिन वहाँ पर उन जो इनके बेली हैं ये खुद जा नहीं सके, इनके कोई भाई की डेथ हो गई थी तो उन्होंने सफाई का ख्याल नहीं रखा और उन्होंने इसमें थोड़ा सा ये किया कि पानी बहुत ऊपर तक चला गया उनका, उस वजह से कुछ जगह ख़राब हो गई हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जगह अच्छी खड़ी हैं। तो अभी उनसे बात हो रही थी कि सरगोधा की मंडी जो है वहाँ भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रेट चल रहा है तो आपको अगर बेचना चाहें तो वहाँ पर कम अज़ कम 100 रुपये किलो के हिसाब से आजकल बिक रही है और ये 1 एकड़ में मनों के हिसाब से उतरती है।
तो दोस्तों जो भी हमने आपके साथ शेयर करना था वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल में ये तीन जो अहम चीज़ें थी आज के आपके साथ शेयर की हैं। ख़ास तौर पर अगर किसी ने पालक काश्त करनी है तो वो इस बात का ख़ास ख्याल रखे कि वो इसके अंदर जड़ी बूटी ना होने दे। जड़ी बूटी इसको बहुत नुकसान देती है। जड़ी बूटी वाली जो होगी उसको फिर काट के आपको फेंकनी पड़ेगी, फिर अगली जो 15 दिन बाद आनी है उसका फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा ताकि वो आपकी अच्छे रेट में बिक जाए। जिसमें जड़ी बूटी होगी वो आपका रेट अच्छा नहीं होगी, वो ख़राब भी हो जाएगी। और पूरा साल मंदा नहीं थींदा, इंशाल्लाह इस साल बहुत अच्छा रेट रहेगा क्योंकि बहुत सारे लोग अब इस तरफ आ रहे हैं। इसकी अफादियत और इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। फोन आया हुआ है, उन्होंने कोई बीज मंगवाया था तो वो बात कर रहे हैं। तो अब आपसे मैं इजाज़त भी चाहूँगा और इंशाल्लाह ये जो कॉन्सेप्ट थे दो तीन, बहुत से लोगों ने पूछा भी था कि किस तरह सफाई करनी है, किस तरह इसको ख्याल रखना है, पानी कैसे लगाना है, तो मेरे ख्याल में उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है, आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला आपके और हमारे रिस्क में इजाफा करे, अल्लाह ताला आप पर हम पर हमेशा अपना करम जारी रखे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक आ सकें। बहुत से दोस्त हैं, मैंने अभी देखा है बहुत से दोस्त वीडियो तो देखते हैं लेकिन वो उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब किया करें। हमारी कोशिश यही होती है कि आप दोस्तों तक अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक पहुँचाएँ, एक अच्छी चीज़ अच्छी बातें आपके साथ शेयर करें। तो इसमें आपका कोई इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा और ना हमारा होगा, हमारे लिए भी ये सदका जारी है। अब मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।